एवरीवन, आई एम दामिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है एनालाइज करने वाले हैं कि अभी तक क्या पैटर्न रहा है और मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। आई नो कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जैक्टली बैंक तो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ नहीं करता है, बट उसके अकॉर्डिंग, मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चे बताते हैं कि हाँ इस टाइप का आया था, इस टाइप का आया था, तो फिर भी हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो लेट्स एनालाइज इट और फिर मैं आपको अपना बाद में लास्ट में बताती हूँ कि मैंने लास्ट फाइव के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके क्या फाइंड आउट किया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स एनालाइज इट। एनालाइजिंग सेशन नाउ आफ्टर एनालाइजिंग लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच इज़ मेमोरी बेस्ड, आई हैव फाउंड दैट DIs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली पैराग्राफ बेस्ड DIs, टेबल बेस्ड DIs एंड हाँ तो पहले तो हमारा DI तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ऑफकोर्स, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड टॉपिक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स में ना ये टॉपिक जो है काफ़ी बार रिपीट हो रहा था, चाहे आप परसेंटेज का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप एजेस का क्वेश्चन ले लो, या फिर टाइम डिस्टेंस, मतलब रेशियो का कंसेप्ट थोड़ा बहुत हर चैप्टर में आ ही रहा था। तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिक से हाई तक करते हो तो आपको ये बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करवाने वाला है। फिर है मिसिंग नंबर सीरीज, परसेंटेज ऑफकोर्स ये तो करोगी तभी आपका एक बेस बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, और डेटा सफिशिएंसी भी प्लीज़ कर लेना क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मुझे ये 6 टॉपिक्स जो हैं अभी तक लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। तो आप अगर आप इन 6 टॉपिक को कवर करते हो अच्छे से, बेसिक से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस करते हो और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो आई कैन डेफिनेटली से कि आप बहुत, मतलब एक डिसेंट टू गुड स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। और एक चीज़ और कि इन सबको करने से पहले आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, टेबल्स एंड फ्रैक्शंस ज़रूर आने चाहिए, कि हर रोज़ इनकी प्रैक्टिस करो जो आपको एकदम बेस हो जाए। कोई आपसे पूछे 27 × 8 क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, 29 का स्क्वायर क्या होता है पता होना चाहिए। तो इस तरीके से इससे क्या आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप ये 6 टॉपिक कवर करते हो ना आपने, तो यू कैन, नो वन कैन बीट यू, as simple as that. Okay, one other thing is that if you can do that, then obviously you can cover the following topics to score or good marks, very 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 good marks. अगर ये कर लिया तो आप ये तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो क्योंकि वो आपका बेस बन गया है, तो आप ये तो ईजीली ही कर लोगे। ओके, ऑफकोर्स यू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। सो एज एंड एवरेज यू कैन डू दैट, इसमें बहुत रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज़ होता है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड ट्रेवल, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस है वो, मेंजुरेशन में सिर्फ फार्मूलाज के अकॉर्डिंग भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने ऊपर वाले टॉपिक्स कवर करने के बाद। आप थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब इतना पता होना चाहिए आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एग्जाम में, आपको इन टॉपिक्स से भी आना चाहिए कि मतलब इतना हो आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक का पता हो, तो आप, मतलब क्या बोलूँ मैं, तबाही मचा दोगे पूरे में, ठीक है।